खिलाओ जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, और जैसे आपको पता है कि हम लोग इससे पहले सदन में जो अभी आने वाला समय जो नया सेंसेक्स होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो, इसके लिए आज हम लोगों ने राज की भावना से उनको अवगत कराया। बात हुई है आज सरना कोर्ट को लेके बात हुई है, आपने मांग की है क्या अलग से? नहीं नहीं, वो अभी हम लोग का जातिगत जनगणना को लेकर के नक्सल प्रभावित के मुख्यमंत्री से सर आपने मिला था, नक्सल प्रभावित से भी क्या रहा सर किस तरह से? क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा आज चर्चा थी, सभी राज्य उपस्थित थे, 10 राज्य जहां इफेक्टेड राज्य थे, हम लोगों ने अपनी बातें रखी। और जिस तरीके से उग्रवादी घटनाएं निरंतर कम हो रही हैं, इस पर कैसे आने वाला समय में इसको खत्म किया जाए जड़ से, इसको लेकर चर्चा हुई, और इसमें जो कुछ कमी बेसी थी उन सबको कैसे और ठीक किया जाएगा, ये वहां पर बातें रखी गई है। सभी राज्य मोटा मोटी सब लोगों का एक जैसा ही किया गया। सर आप लोगों ने मांग किया है अमित शाह से क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य है, हाल ही में हमने कहा कई चीजें रखी है जो आपको लिखित ये मैं आप लोगों को भेज दिया जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। मुख्यमंत्री जी, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज के समय में जाति जनगणना की जरूरत है, उसके बाद आप लोगों की मुलाकात हुई है, बीजेपी भी इसमें शामिल है सर? देखिए ये सब कोर्ट की अपनी भावना है, कोर्ट का अपना है, ये है वहाँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि देश के अंदर सब वर्ग, आप क्या नहीं चाहते हैं कि आपके वर्ग हैं कि नहीं देश में? आप नहीं चाहते हैं? कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं आप लोग नहीं चाहते हैं? कितने लोग किस वर्ग के हैं आप लोग नहीं चाहते हैं? केंद्र सरकार समझ नहीं है।